राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के 32वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय महोत्सव की थीम बांस पर रखी गई थी। इस दौरान कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुए। लोक परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य और शिल्प से जुड़े इस उत्सव में अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने जनजातीय लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। मंच पर एक ओर जहां प्रादेशिक प्रस्तुति अपना रंग जमा रही थी, वहीं मौका मिलते ही विदेशी कलाकारों ने भी अपना जलवा दिखाया। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेशवासियों को देश की अलग अलग संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। ठंडी बयारों के बीच पारंपरिक कलाओं के उत्सव लोकरंग ने अपनी सतरंगी छटा से सभी का मन मोह लिया। शिल्प मेला में खरीदी के साथ ही लोगों ने विभिन्न व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। अच्छा, पूरे भारत की इसमें कलाएं जो है, जो अपने आदिवासियों की, जंगलों की, जो ये लोग बनाते हैं, बांस के आइटम अभी देखे और भी कई तरह के देखे, मतलब ये बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली जो अपने भारत में होती है, ये अभी तक हमें पता नहीं था। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि अपने देश में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। मैं हर साल आता हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार जो यहाँ BHEL के दशहरा मैदान में जो हो रहा है, तो इसका कुछ एक अलग आनंद है। वहाँ रविंद्र भवन के प्रांगण में होता था, वो तो था ही अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही रौनक भी ज्यादा है। और इन्होंने यहाँ पे जो सजावट की है, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, दुकानें भी कुछ ज्यादा है, पहले की अपेक्षा स्पेस भी बढ़िया है, ज्यादा है। नहीं, बहुत बढ़िया है। नॉर्मल वर्किंग से एक चेंज है, कलरफुल है, डांस है, वैरायटी ऑफ फोक्स, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम जो अपने को वैसे शॉप्स में नहीं मिलेंगे, काफ़ी चीप, इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव, अच्छी चीज़। लेकिन यहाँ पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और बहुत स्पेशियस है। वहाँ पे बहुत कंजस्टेड रहता था, हालांकि स्टेज के हिसाब से ठीक है, बट उन्होंने अच्छा स्टेज बनाया है, ओवरऑल इट इज़ गुड। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।